Now who the hell is this? चिकन भरता और रोटी ऑर्डर किया था, भूख लगी थी ना, अभी आता हूँ। तुम सिर्फ इनकॉम्पिटेंट ही नहीं, एक अनफेथफुल हस्बैंड भी हो। तुम हो। कास्टिंग कंप्लीट, आजा। I need to talk to you. How could you sleep with that? And Mishka, how dare you? मेरे पति के साथ? वैसे ठीक ही है, तुम भी लूजर हो, ये लड़की भी लूजर है। 2 साल से नो प्रमोशन, नो इंक्रीमेंट, कंप्लीटली इनकॉम्पिटेंट। शट अप, यू आर नो वन टू जज माय कॉम्पिटेंस एंड स्टेटस। ऑफ कोर्स आई एम योर बॉस, आई विल रुइन योर करियर, आई विल सैक यू। सैक मी? वेट, आई रिजाइन। तुम्हें मेल भी किया है, कल ऑफिस जाके देख लेना। फ्रॉम दिस मोमेंट यू आर नॉट माई बॉस। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे पति के साथ सोने पे मजबूर थी, उसके बाद मुझे अच्छा लगा, दैट वाज अ कोइंसिडेंस। लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी मेरे पति के साथ सोई हो, नाउ हु इज द बिग बिच? हाउ डेयर यू? अदिति, डोंट टच हर। एक रात सो क्या गए, इतना प्यार हो गया, क्या जादू चला है तुम पे मिश्का ने? जानना चाहती हो? रिस्पेक्ट, शादी के बाद जो तुमने मुझे कभी नहीं दिया। हाँ, मैं ना तुमसे डरता था इतने दिनों से। तुम मेरी बीवी नहीं, मेरी बॉस बन गई थी, पूरे घर को ऑफिस बना डाला था। एंड आई कांट स्लीप विथ माय बॉस। प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम दरअसल साइकोलॉजिकल है। फिजिकल नीड के लिए मैं किसी के साथ भी सोता रहा, गिल्टी भी फील करता रहा, लेकिन तुम्हें कभी बोल नहीं पाया। और तभी राजश्री ने मेरे फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया। मैं तो यहां बस मजे लेने के लिए आया था, लेकिन पता नहीं था कि यहां मिश्का जैसी दोस्त मिल जाएगी। हर टच इंस्पायर्ड मी। मैंने एक नया गाना लिखा उसके लिए। कितने दिनों बाद मैंने गाना लिखा, मैंने धुन बनाई, फिर से कुछ कर पाया, क्योंकि कई दिनों बाद मुझे लगा कि मेरा कोई अपना है। आई गॉट द फ्रेग्रेंस ऑफ लव, जो मेरी जिंदगी से खत्म हो चुका था कई दिनों से। तुम तो एक अरसे से मेरा शो देखने भी नहीं आती ना। क्या तुम जानती हो मैं निर्वाण के नाम से गाता हूं? नहीं जानती ना। तुमने हमेशा मुझे झुकाने की कोशिश की, हमेशा।